स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन, देख स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन देखो, ध्यान देना, स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की होती है, एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की होती है, समझ में आ रहा है ना। एलिफेटिक या एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड्स की रिएक्शन यहाँ पर बेसिकली डाई एल्किल सक्सिनेट या फिर अदर सिमिलर कंपाउंड से स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में कराई जाती है, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर होता क्या, देखो जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड सी डबल बॉन्ड ओ एलिफेटिक हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, तो देखिए एलिफेटिक या फिर कौन सा हो सकता है, एरोमेटिक, एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन किससे, डाइएल्किल सक्सिनेट या फिर बेसिक कंपाउंड अदर सिमिलर कंपाउंड भी हो सकता है। देखो डाइएल्किल सक्सिनेट एच टू सी सी डबल ओ ई सी डबल ओ आर सी एच टू सी डबल ओ आर इससे कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल जैसे यहाँ पर ले लिया हमने एन ए ओ ई टी सोडियम इथोक्साइड, समझ में आ रहा है ना। देखो और देख सकते हैं जैसे सोडियम टर्शियरी बुटॉक्साइड ओ ओ सी एम ई थ्री, ये टर्शियरी बुटॉक्साइड हो गया ना, सोडियम टर्शियरी बुटॉक्साइड एटसेट्रा, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट के लिए क्या करना है, देखो पहले मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना बता देता हूँ, उसके बाद फिर इसके मैकेनिज्म बताऊंगा। देखो आपको करना क्या, इधर देख लो ये किया गया, ठीक है, तो और इसके स्थान पर आपको यहाँ पर H करना है, या मैं डायरेक्ट बता दूँ कि ये जो ग्रुप है ना, ये पूरा ग्रुप ये आपको सी डब्लो एच में कन्वर्ट करना है, समझ में आ रहा है, बस ये प्रोडक्ट बन जाएगा। देखो तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये डबल बॉन्ड, देखो C है ना, अब इससे क्या जुड़ा है, सी डबल ओ आर, यहाँ पर देखो ये हो गया, यहाँ पर देखो क्या है, सी एच टू सी डबल ओ एच, तो देखिए सी एच टू सी डबल ओ एच, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अब एक बात समझना, इधर देख लो, अगर मैं यहाँ से मार्क कर रहा हूँ इसको, तो ये देखो इसके पास वाला अल्फा, फिर ये बेटा, ये गामा, बेटा गामा पर अनसेचुरेशन है ना, देखो यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप है एसिड और एस्टर, तो देखो एक के रेस्पेक्ट में हाफ बोलते हैं इसको, हाफ एसिड या फिर हाफ एस्टर, तो देखो इसका क्या मतलब, देखो एसिड के रेस्पेक्ट में बेटा गामा पर अनसेचुरेशन है, तो इसको बोलेंगे बेटा गामा अनसेचुरेटेड हाफ एसिड, क्या बोलोगे, बेटा गामा अनसेचुरेटेड हाफ एसिड, देखो ये बेटा गामा अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड रेटेड हाफ एसिड, हाफ एसिड, समझ में आ रहा है। और अगर इसके रेस्पेक्ट में देखते हो तो ये अल्फा, ये बीटा, ये फंक्शनल ग्रुप, ये तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड हाफ एस्टर, समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये क्या होगा, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड हाफ एस्टर, हाफ एस्टर, ये इसको बोला जाता है। अब देखना ये रिएक्शन कैसे होते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है, चलो मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म देखो, ध्यान देना क्या करना है यहाँ पर, देखो समझना इधर, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान देना, ये इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, देखो ये यहाँ पर ये है ना सी डबल बॉन्ड ओ, ये ऐसे लिख दो इसको, देखो अब इसकी बात करो, इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ एच सी एच, यहाँ पर क्या है सी डबल ओ आर, देखो सी एच टू सी डबल ओ आर, देखो यहाँ पर बेस ले रखा है ना, तो यहाँ पर तो कर दे, देखो ओ ई टी माइनस। अब देखो ध्यान देना, कम से कम इस टाइप में मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करूँगा करना, इसलिए पहले एक बार समझ लेना, बाद में लिख लेना। देखो ध्यान देना, ये यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव है तो इसका टेक यहाँ से या और ये बॉन्ड यहाँ से या, समझ में आ रहा है यार, ठीक है ना। तो देखो ध्यान देना, सबसे पहले ये यहाँ पर हो गया, अब देखो ध्यान देना ये यहाँ तो गया ओ माइनस हो जाएगा ना, इस कार्बन की बॉन्डिंग इस कार्बन से एच गया इसे, तो यहाँ पर देखो ये सी एच, समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या है सी डबल ओ आर, ठीक है ना, और यहाँ पर इससे क्या जुड़ा ये सी, देखो सी एच टू, और यहाँ पर देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ, इसको ऐसे लिख दो और ओ आर, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अब इस पे देखो नेगेटिव है ना, तो देखिए नेगेटिव है तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, जब वापस बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से ग्रुप बाहर, ये समझ में आ गया,
तो यहां पर देखो कितने मेंबर रिंग बन गए, यहां से काउंट करना 1 2 3 4 5, फाइव मेंबर रिंग बन गई ना। तो देखो यहां पर ये होगा, देखो ये फाइव मेंबर रिंग, ये ठीक है ना। अब देखो ये फाइव मेंबर रिंग बन गए, यहां पर देखिए इस कार्बन पे तो क्या जोड़ा है, COOR है या नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। यहां पर क्या है ऑक्सीजन, इस पर क्या है दो ग्रुप, जो भी जुड़ा हो ग्रुप होंगे इस पर, ठीक है ना। अब देखो आगे बेस तो है ही सही ना, तो बेस क्या करेगा, देखो ध्यान देना, ये बेस OET माइनस, देखो यहां पर अल्फा एच है ना, अभी यहां से अल्फा एच को निकालेगा, मोर एसिडिक होगा ये, समझ में आ रहा है। तो देखो यहां से ये निकल दिया, यहां पर माइनस आएगा, माइनस आते देखो यहां से यहां पर और ये यहां से यहां पर, ठीक है ना। अब देखो समझने की कोशिश की, यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो देखो ये यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब देखो यहां पर जुड़ा क्या है, COOR। अब देखो यहां पर इससे CH2, इससे CH2, फिर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, तो डायरेक्ट COOO- लिख दो इसको, लिख दो ना। अब देखो ये हो गया फर्स्ट स्टेप का काम, अब आगे प्रोटोनेशन करना है। प्रोटोनेशन के लिए आपको यहां पर HCl देते, कुछ भी नहीं दे तब भी आपको करवाना है, ठीक है ना। तो आगे इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, जैसे यहां पर HCl ले लिया हमने, यहां पर इसका क्या हो जाएगा प्रोटोनेशन, ठीक है ना। तो देखो ये यहां पर CH2 COOH और ये ऊपर क्या है COOR COOR। तो देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे बनाना है समझ में आ गया, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है वो भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, कोई डाउट है क्या, नहीं ना, चलो इसको नोट करो पहले, हो गया, कोई डाउट है क्या तक, नहीं बैठा देना इसको। चलो देखो कुछ एग्जांपल्स देख लेते, इसके करके देखना आप सॉल्व, एग्जांपल्स देखो मैं लिख देता हूं, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। करो देखो इनको सॉल्व, हो गया, हाँ करके देख ले दोनों क्वेश्चन। चलो देखना आप यहाँ पर देखिए, ध्यान देना बेस ले रखा है, अच्छा ये कंफ्यूज मत हो ना, जैसे यहाँ पर देखो बेंजीन दे रखा है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो ना, कि एक्चुअली क्या होता है कि जब अपन रिएक्शन कराते हैं ना तो इसमें सॉल्वेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, समझ में आ रहा है। तो जस्ट यहाँ पर बेंजीन का कोई रोल नहीं है, एक तरह से जस्ट मान लो आपके सॉल्वेंट है, समझ में आ रहा है ना, ये मान लो, क्योंकि सॉल्वेंट एक्चुअली रिएक्शन के बेसिस पर पोलर भी ले लेते हैं, नॉन पोलर भी ले लेते हैं, और ये जो सेकंड स्टेप है ना ये अलग है, ठीक है ना, ये एसिडिफाई करने में काम में आएगा, समझ में आ रहा है ना, क्लियर यहां तक, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना समझना यहां पर क्या होगा, देखो इस दोनों एच को निकाल दो, इसको ऐसे लिख दू मैं, ऐसे लिख दो ऐसे, देखो ये गया ये, और इसके स्थान पर COOH यही होगा ना। तो देखो यहाँ पर ये C6H5 को pH लिख देता हूँ, देखो ये COOOED, ठीक है। यहाँ पर देखो ये इससे क्या जुड़ेगा, ये CH2COOH, देखो ये CH2COOH, समझ में आ गया, ये प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर क्या है C6H5 है ना ये, तो C6H5, तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली CH3 जुड़ा हुआ है यहाँ पर, है ना, CH3 हो गया, कोई डाउट है क्या। देखो इसकी बात करें तो देखिए यहां से ये गया, ये ऐसे लिख दो, ठीक है ना। तो यहां पर देखो N का मतलब क्या है, नॉर्मल, मतलब स्ट्रेट लाइन है ना, इससे करो कोई मतलब है ही नहीं, जैसा है वैसा लिख दो आप। देखो N C11H23 और यहां पर हो गया देखो CH डबल बॉन्ड C, और इससे आगे क्या जुड़ा है COOET, यहाँ पर है ना C, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको ना COOET, ऐसे लिख दो ना। और देखो इस कार्बन पर और क्या जुड़ेगा, ये CH2COOET, देखो CH2COOET, यहाँ पर CH, ये COOH, ये इसके स्थान पर क्या करना है COOH। तो मेरे हिसाब से स्टॉप कंडेंसेशन में कोई डाउट नहीं होगा, अच्छा फिर बता रहा हूँ, देखो एयर ऊपर ये सब कुछ देखकर थोड़ा से घबराना नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि अजीब से लगते हैं जब क्वेश्चन में आते हैं ना एक साथ, कि पता नहीं क्या क्या दे दिया, ठीक है ना। आपको क्या एक्चुअली नेचर को समझने की कोशिश करना है कि ये रिएजेंट है और ये भी प्रोडक्ट है,
सॉरी ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है, ठीक है ना। रिएजेंट में आपको पता चल रहा है कि बेस ही तो है। अब कभी भी देखो एरो पर कभी भी अपन ये लिखते हैं ना जैसे OC टू H5 माइनस, क्या ऐसा ये इकल्ला एग्जिस्ट करेगा? इसका साल्ट होगा। अब साल्ट होगा तो लाओगे कहाँ से साल्ट को? एक्चुअली क्या करते हैं कि जैसे C2H5 है ना, OH है, इसमें आपने थोड़ा सा क्या मिला दिया, सोडियम मिला दिया। अब जैसे सोडियम मिलाओगे तो देखो अपनी एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन से C2H5O Na ये बन गया, ठीक है ना। और साथ में एथेनॉल एक्सेस में पहले से जिसके अंदर एथेनॉल ऑलरेडी प्रेजेंट है ये, तो अपन चाहे प्लीज एरो पर डायरेक्ट यू भी लिख देते हैं अपन तो C2H5O- लिख देते हैं ना, लेकिन एक्चुअली वो सिंगल थोड़ी होता है, उसका मतलब पूरा मिक्सचर है। तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, ये एल्कोल, इसमें सोडियम मिला दिया, थोड़ा पोटेशियम मिला दिया, तो इस ये भी हो गया इसका साल्ट हो गया, ऐसे ना। तो कंफ्यूज मत हो ना कुल मिलाकर, और ये एसिडिफाई करने में काम आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको करना है। इसको कर लो कंप्लीट नोट।